नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया के टोल प्लाजा पर हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, फायरिंग कर कैश बॉक्स को लूटा। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है रोको टोको अभियान। पुलिस और प्रेस लिखे वाहनों पर पुलिस अधिकारी की है पैनी नजर। बांका यूको बैंक की तिजोरी का चोरों ने तोड़ा ताला, 4.5 लाख रुपए लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। इंटर स्थलीय उर्दू गर्ल्स स्कूल में मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह, कुलपति समेत कई बुद्धिजीवियों ने महिला शिक्षा पर दिया जोर। और पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड को देखते हुए भागलपुर के डीएम ने स्कूल बंद रखने का जारी किया आदेश। अब समाचार विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया के खरीक स्थित टोल प्लाजा से अपराधी कैश बॉक्स लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर टोल प्लाजा के निदेशक सोनू धनखड़ ने बताया कि शुक्रवार की देर रात अपराधी टोल प्लाजा पहुंचा और हवाई फायरिंग करने लगा। इस दौरान टोल कर्मी गोली की आवाज सुनकर भाग गए, तभी अपराधियों ने खिड़की के माध्यम से टोल के अंदर रखे कैश बॉक्स को निकाला और फरार हो गया। सोनू ने बताया कि कैश बॉक्स में लगभग 1.5 लाख रुपए थे, जिसकी सूचना नवगछिया एसपी और थाना अध्यक्ष को दे दी गई है। वहीं घटना को लेकर नवगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि लूट की घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खरीक टोल प्लाजा के नाम से टोल प्लाजा है एक नवगछिया में, तो उसमें एक घटना घटी है जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक अपराधी जो है उनका जो बॉक्स है उसको लेके भागा है। तो इस संदर्भ में नवगछिया थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और जो भी अपराधी है उसको चिन्हित करने का और गिरफ्तारी करने के लिए नवगछिया थाना प्रभारी को आदेश दे दिया गया है। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को शहर के घंटाघर चौक, कोतवाली चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, भिकनपुर चौक एवं ललमटिया सहित कई जगहों पर रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले और ट्रिपल लोड बाइक सवार को रोककर सघन तलाशी ली गई। वहीं यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई, साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। ठंड के मौसम में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। शुक्रवार की रात बांका के बौंसी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने यूको बैंक शाखा की खिड़की काटकर स्ट्रांग रूम से 4.5 लाख की चोरी कर ली। शनिवार सुबह जब बैंक कर्मी ड्यूटी के लिए बैंक पहुंचे तो खिड़की का रॉड हटा देखकर पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बांका एसपी अरविंद गुप्ता डॉग स्क्वाड टीम के साथ बैंक पहुंचे और कर्मियों से घटना के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद एसपी ने घटना के खुलासे के लिए एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया। एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर आसानंदपुर स्थित इंटर स्थलीय उर्दू गर्ल हाई स्कूल में शनिवार को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बैनर तले इस्लाम, महिला और शिक्षा विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमईसी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम ने की। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके भेंट कर किया गया। वहीं छात्राओं ने स्वागत गान और सांस्कृतिक गतिविधि पर अपने कला कौशल की प्रस्तुति दी। स्वर्ण जयंती समारोह में कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने इंटर लेवल कॉलेज को डिग्री कॉलेज में तब्दील करने की बात कही। इस दौरान प्रोफेसर राय ने स्कूल की प्राचार्य सबीहा फैज के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और स्कूल के संस्थापकों के उद्देश्य को साकार करने की बात कही। कुलपति ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ धर्म का ज्ञान आवश्यक है और चौथे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका समावेश किया गया है। इंटर कॉलेज कहा जाए और इसे स्कूल कहा जाए, जो भी चाहें आप कहें, लेकिन आप कल्पना करें कि 50 साल पहले जो बच्चियों के साथ यह शुरू हुआ था और जिन व्यक्तियों ने इसे शुरू किया था, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्हें क्या आने वाले समय का ज्ञान था कि खास करके मुस्लिम में एजुकेशन की बहुत कमी थी और महिलाओं में तो बिल्कुल नहीं थी आज से 50 साल पहले। और धीरे धीरे आज देखिए वही स्कूल जो दो बच्चियों से शुरू हुआ और आज यहाँ पर 4,000 लड़कियां हैं। मैं सचमुच में उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ दोबारा कि उनके इस दूरदर्शिता के चलते आज स्कूल का ये आप देख रहे हैं जलवा है, जहाँ पर बच्चियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन तालीम हासिल कर रही हैं
और आने वाले दिनों में शिक्षित महिला के साथ साथ अपने आप को भी जोड़ रही है। इस्लाम महिला और शिक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि लोगों को नैतिक शिक्षा और कर्तव्य पर जोर देना चाहिए। एसडीओ ने इस्लाम समेत सभी धर्म में महिला शिक्षा और अधिकार का विशेष महत्व बतलाया और कहा कि माँ की गोद बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। उर्दू गर्ल्स स्कूल का 50वां सालगिरह हम लोग मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस विद्यालय को, इस विद्यालय के संस्थापकों को, इस विद्यालय के शिक्षकों को, इस विद्यालय के छात्राओं को और सभी गार्जियन जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन सबों को बहुत बहुत बधाई। और यह एक बहुत अच्छा कदम रहा जब आगे की सोच, जैसा कि वीसी सर ने बताया कि आगे की सोच के साथ किसी ने गर्ल्स स्कूल की स्थापना की ताकि मुस्लिम कन्याओं को, मुस्लिम छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि सभी धर्म की शिक्षा महान है, लेकिन कुछ धार्मिक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसकी गलत व्याख्या करते हैं जो समाज और राष्ट्रहित के लिए घातक है। डीएसपी ने कहा कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज्ञान के मसाल को जलाए रखने की जरूरत है। वो साधुओं की जाति के थे, उनकी कोई जाति नहीं थी, बड़ा छोटा तो हम बनाते हैं। वो मुकम्मल तौर पे साधु थे कबीर की भाषा में, और कबीर ही हमें संभालते हैं, कबीर ही हमें रास्ता दिखाते हैं और आज की तारीख में और जरूरी है कबीर। फारूक साहब ने चर्चा किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जिसका मैं छात्र हूँ, इस नाते भी मेरी नैतिक ड्यूटी है कि कुछ सफाइयां पेश की जाए। 1916 के बसंत पंचमी के दिन महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कराया था। उस उद्घाटन कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थे जो दक्षिण अफ्रीका से अधिकारों की मुकम्मल लड़ाई लड़कर और अपनी पहचान बनाकर भारत आए थे। लेकिन भारत में केवल जो पढ़े लिखे अंग्रेजी दा लोग थे वही जानते थे। नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। मंच से MEC के महासचिव डॉक्टर फारूक अली ने महिला शिक्षा नीति पर जोर दिया। मौके पर स्कूल के सचिव मोहम्मद इब्रार हुसैन उर्फ बेला, प्राचार्य सभिया फैज, उप प्राचार्य डॉक्टर जीनत प्रवीण, नीमा जैन, डॉक्टर वर्षा सिन्हा, कांति पाठक, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, मिंटू कलाकार समेत कई बुद्धिजीवी और समाज सेवी मौजूद थे। पूरे बिहार में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। ठंड के कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं जिले में घने कोहरे और सर्द पछुआ हवा का प्रकोप भी जारी है। लगातार ठंड में हो रही वृद्धि को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 2 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में DM ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। DM ने कहा कि कक्षा 10वीं तक जिले के सभी विद्यालय 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए।
मान्यवर बैंक्वेट हॉल खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में नववर्ष को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। युवा से लेकर कई संगठन के लोग नए साल को उत्साह और उमंग के साथ मनाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। वहीं नववर्ष के स्वागत को लेकर भागलपुर खरमनचक स्थित राजमहल पैलेस मर्यादा में जश्न मनाने की व्यवस्था सेलिस्को के बैनर तले की जा रही है। शनिवार को सेलिस्को कार्निवल की जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सेलिस्को के अध्यक्ष नीरज गोयंका, सचिव जौनी संथालिया और कोषाध्यक्ष विनीत बुधिया ने कई जानकारी दी। कार्निवल के संयोजक आदित्य छावड़िया ने बताया कि रविवार को कार्निवल में लोगों के लिए मनोरंजन के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। वहीं सचिव जानी संथालिया ने कहा कि विभिन्न व्यंजन के साथ कार्निवल में लोगों को डीजे पर जमकर नचाने के लिए कई मशहूर सितारे आ रहे हैं। सेलिस्को के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हमारी संस्था इस तरह के आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता रखी जाती है। मौके पर दीपक राय, मयंक भिवानी वाला, सौरभ जैन समेत कई युवा मौजूद थे। साल के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होता है, ये 3 साल से हर साल हो रहा है और बहुत ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम होता है। हमारे समाज के युवक युवतियाँ और फैमिली प्रोग्राम है। ये सवेरे 11 बजे से स्टार्ट होगा। 11 बजे उद्घाटन सत्र का समय रखा गया है। 1 बजे से किड्स फैशन शो होगा, 3 बजे अवार्ड सेरेमनी होगा और उसके 5 बजे से बाद रात्रि 9:55 तक लोग डीजे के धुन पे नाचेंगे। बाहर से डीजे वाले आ रहे हैं, एंकर सेलिब्रिटी जो भी है, हमारी परिजया चक्रवर्ती वो भी बाहर से आ रही है और पूरा प्रोग्राम जो है ये नव वर्ष के उपलक्ष्य पर रखा गया है। भागलपुर के नगर विधायक आवास पर शनिवार को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बिकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित त्रिमूर्ति चौक पहुंचे, जहां महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपना 135 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है। आज हम लोग कांग्रेस की 135वीं वर्षगांठ है वह मना रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि अभी जो देश में अराजक जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भाजपा की सरकार, वह संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है। भारत का जो धर्म निरपेक्ष स्वरूप है उसको बर्बाद करने पर तुला है। हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अभी अपने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार संविधान बचाओ और देश बचाओ यात्रा निकाला है। भागलपुर के आदमपुर स्थित मेट्रो प्लाजा में शनिवार को म्यूजिका इवेंट के बैनर तले आयोजित वॉइस किंग प्रतियोगिता का मेगा ऑडिशन संपन्न हुआ। मेगा ऑडिशन में पटना, पूर्णिया, मुंगेर, बक्सर, बांका, नवादा और भागलपुर के 29 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 8 प्रतिभागी का चयन फरवरी में होने वाले फाइनल राउंड के लिए किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति दी। ऑडिशन में जज की भूमिका जीत आचार्य एवं श्वेता सुमन ने निभाई। वहीं म्यूजिका इवेंट के लकी मले विपुल एवं शाहवाज ने बताया कि बिहार के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सिर्फ उन्हें एक अच्छा मंच देने की। उन्होंने कहा कि शो का फाइनल फरवरी में किया जाएगा और जल्द ही इसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में अमजद खान, आदर्श रक्षित, नूतन शर्मा, आलोक रंजन, गोलू सिंह धोनी ने सराहनीय भूमिका निभाई। तुझे दोबारा
वॉइस क्रिंग ट्रैक सिंगिंग कॉन्टेस्ट है, जैसा कि पूरे बिहार से बच्चे आए और अपनी गायन कला की उत्कृष्टता को दिखाते हुए हम लोग भी देख पा रहे हैं कि हमारे बिहार में कितने नगीने हैं जिनको तराश कर और जिनकी एक मंजिल हो सकती है। लेकिन इस मंच से फिर मैं कहूँगी, बहुत से अच्छे वॉइस और नई पीढ़ी इस ओर जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो जो वॉइस किंग जो करवा रहे हैं म्यूजिक का जितने मेंबर्स हैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया जजमेंट करने के लिए, अच्छा लग रहा है। बस इन शॉर्ट बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे आए हैं सभी अच्छे हैं। आज का प्रोग्राम वॉइस ऑफ किंग भागलपुर में होने जा रहा है, मेगा ऑडिशन, तो इसके बारे में यही कहना है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट जो कि सेलेक्ट पहले हो चुके हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं। और ये बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सहवाज सर और विपुल भैया लोग मिलकर ये सब इवेंट करवाने का सोचें। भूमि विवाद के बढ़ते मामले को लेकर शनिवार को नाथनगर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना परिसर में फरियादियों की भीड़ उमड़ी रही। नाथनगर अंचलाधिकारी राजेश कुमार एवं इंस्पेक्टर सज्जाद आलम ने भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें फरियादियों से सुनी और बारीकी से कागजातों की जांच कर कई मामले का निष्पादन किया। सीओ राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में कैंप लगाकर थाना अध्यक्ष के सहयोग से भूमि विवाद मामले का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में 10 मामले आए जिनमें एक मामले का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविर में ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश मौजूद थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार नाथनगर थाना के प्रांगण में शनिवार शिविर आयोजित की गई। इस शिविर में कुल 10 मामले आए जिसमें से मात्र एक मामला ही निष्पादित हुआ। अंतिम कुछ जो अवशेष मामले हैं 9 मामले उनको अगली तिथि निर्धारित की गई है। ये मामला आपसी समझौते के आधार पर निष्पादित की जाएगी। भागलपुर भीखनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप बाइक चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल 2 दिन पूर्व भीखनपुर के समीप रवि प्रकाश नामक युवक की बाइक को अज्ञात चोरों ने उड़ा लिया था। वहीं शनिवार को उसी जगह पर एक युवक संदिग्ध गतिविधि करता बाइक के आगे पीछे घूम रहा था, तभी रवि प्रकाश की नज़र संदिग्ध चोर पर पड़ गई और वह चोर को पकड़कर पिटाई करने लगा। हालांकि पकड़े गए युवक ने बाइक चोरी की घटना से इनकार कर दिया है। तारीख को सुबह में 4 बजे सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वहां से निकला, उसके बाद हम लोग कल दिन भर गाड़ी खोजे, FIR किए। आज उसी शक के आधार पे हम इसको पूछे, चूंकि ये उस मोहल्ला में रहा हुआ है सब चीज़ में, तो ये भागने लगा, देखिए तब इसको अपेट किया। मेरा गाड़ी अभी तक नहीं मिला है, हम पूछेंगे इससे बाइक कहाँ है, तुम लिए हो कौन लिया बताओ। भागलपुर के मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स इंटर स्कूल में शनिवार को साइंटिफिक मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा अल्टीमेट शोटोकन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन स्कूल के शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कराते ट्रेनिंग में 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। अलग अलग श्रेणियों में करवाई गई प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बच्चों के कराटे ट्रेनर रितेश कुमार ने बताया कि मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस अति अनिवार्य है, आगे की प्रतियोगिता में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पदक हासिल करें, इसी उद्देश्य से अल्टीमेट शॉटोकॉन सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल के शिक्षक समेत स्कूली छात्र मौजूद थे। बच्चे लोगों के लिए कराटे का सेमिनार रखा गया है जिसमें बच्चे को आगे किस तरह मेडल लिया जाए स्कूल गेम में और इस एसोसिएशन में, ताकि बच्चे का प्रॉपरली मेडल नहीं आने के कारण है ट्रेनिंग। आज के दौर में अगर ट्रेनिंग अगर बच्चे के पास है तो ही बच्चे अच्छे से अच्छे मेडल ले आ सकते हैं। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को 1970 से 1980 के दशक में क्रिकेट खेल चुके बुजुर्गों के बीच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें कई बुजुर्ग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ी संजय कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी बुजुर्ग खिलाड़ियों को एक जगह एकत्रित करना है जिससे आज के युवा खिलाड़ी को लाभ मिल सके। इस मौके पर राकेश कुमार, सन्नी, बंटी, देवांशु सहित कई खिलाड़ी मौजूद थे। आज ये कार्यक्रम जो हमारे छोटे भाई संजय जी का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसका ये थिंकिंग है कि हम लोग जितने 1975-80s के जितने प्लेयर लोग हैं या आज इसका एज 40 साल से ऊपर का लोग सब एक जगह ऑर्गेनाइज करें करके आपस में एक जो अभी एक वेटरन्स का जो मैच चल रहा है 2020 का मैच करें जी। आज का जो ये आयोजन चल रहा है ये बेसिकली क्या है कि
जो वैसे क्रिकेटर जो 80 के दशक के 90 के दशक में यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे और आज के बच्चे जो क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं, जो ऐसे क्रिकेटर जिनको पता भी नहीं है कि हमारे सीनियर्स कौन थे, ये बहुत ही लंबा गैप था। ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, एक छोटा सा कार्यक्रम ये हम लोग कर पाए हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा सहयोग किया। बिरला ओपन माइंड के प्रिंसिपल है राकेश भैया, संदीप है जिसके बेहतरीन लगन से, फिर हमारे बीच का ये क्रिकेटर है बंटी जिसने बहुत बड़ा सहयोग किया हम लोग को, जिसके सहयोग से हो पाया। काफ़ी दिनों के बाद हमारे जिले के वरिष्ठ खिलाड़ियों का यहाँ पे जमावड़ा देखने को मिला है और हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे जिले के खिलाड़ी अनुशासित होकर खेल को देखें और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी इससे सीखे और अपने जिले के खेल को आगे बढ़ाए। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नवगछिया के टोल प्लाजा पर हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, फायरिंग कर कैश बॉक्स को लूटा। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है रोको टोको अभियान, पुलिस और प्रेस लिखे वाहनों पर पुलिस अधिकारी की है पैनी नजर। बांका यूको बैंक की तिजोरी का चोरों ने तोड़ा ताला, 4.5 लाख रुपए लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स स्कूल में मनाया गया स्वर्ण जयंती समारोह, कुलपति समेत कई बुद्धिजीवियों ने महिला शिक्षा पर दिया जोर। और पूरे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड को देखते हुए भागलपुर के डीएम ने स्कूल बंद रखने का जारी किया आदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।